क्लास 12th एक्सरसाइज 5.5 क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को में हमें dy / dx निकालना है, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों, देख लो ध्यान से। उसके लिए हमें करना क्या होता है, उसके लिए हमें करना क्या है, इसको सबसे पहले हम y में लेट कर लेंगे। अब देखो बच्चों होगा क्या, हमें पता है कि बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे टर्म्स फैक्टर में है, तो इसको लॉग के थ्रू डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या, पहला स्टेप है टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जब इधर लॉग लेंगे तो ये हो गया लॉग वाई, और इधर भी लॉग लेना होगा, ये हो गया एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव टू पावर वन बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं रूट को। अब देखो बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉग ए टू पावर एन हो तो ये एन बाहर आ जाता है, लॉग ए होता है, ठीक है। सो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये हाफ को हम बाहर कर लेंगे, तो ये हो गया लॉग वाई इक्वल्स टू वन बाई टू। अब साथ के साथ एक और प्रॉपर्टी यूज होती है बच्चों, देखो क्या होगा, ये लॉग के साथ ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में है या डिवाइड में है, तो जो जो ये लॉग साफ के साथ आएगा, इसके साथ भी आएगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, अब मतलब क्या होता है, यहाँ पे बात ये आती है कि लॉग इसके साथ आएगा, इसके साथ आएगा, तो जो मल्टीप्लाई में हो रहा है उसके साथ प्लस हो जाएगा, यानी कि लॉग एक्स माइनस वन आया और लॉग एक्स माइनस टू आया, ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, जो डिवाइड में हो रहा है उसके साथ माइनस आ जाएगा। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, आपको पता ही होगा, माइनस लॉग एक्स माइनस फोर माइनस लॉग एक्स माइनस फाइव, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद करते क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डेरिवेटिव होता है वन बाई वाई इंटू वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है बच्चों। इसका हो जाएगा वन बाई टू बाहर आ गया, इस लॉग का हो जाएगा वन बाई एक्स माइनस वन, एक्स का हो जाएगा वन, वन का होगा ज़ीरो, तो उसको हमने वन लिख दिया यहाँ पे ऊपर। सिमिलरली इसका होगा वन बाई वन बाई एक्स माइनस टू, ठीक है। फिर इस वाले का होगा माइनस वन बाई एक्स माइनस थ्री माइनस वन बाई एक्स माइनस फोर। आपको पता है लॉग की डेरिवेटिव होती है वन बाई एक्स, तो यहाँ पे एंगल उसका चेंज है तो सब में चेन रूल लगेगा, और सभी में एक्स है इसलिए उसका डेरिवेटिव वन होता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ा। अब डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने जाओगे तो ये होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इस वाई को इधर शिफ्ट कराओगे तो ये हो जाएगा वाई बाई टू ब्रैकेट वन बाई एक्स माइनस वन, वन बाई एक्स माइनस टू, वन बाई एक्स माइनस थ्री, वन बाई एक्स माइनस फोर, वन बाई एक्स माइनस फाइव। अब वाई की वैल्यू को हम इससे रिप्लेस कर देंगे, जो हमारा क्वेश्चन वाला पार्ट था उससे रिप्लेस कर देंगे, तो ये फाइनल आंसर ये बनेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू अंडर रूट एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस अपॉन एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एक्स माइनस फाइव ब्रैकेट वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री वन अपॉन एक्स माइनस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस फाइव, ये हो गया फाइनल आंसर।